वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार नित्य नेम से अवतार लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक बार श्री कृष्ण आए थे ये बात नहीं है। आज ब्रह्मा जी के 50 साल आयु हो चुकी है और 50 साल में 12 महीने के हिसाब से 30 दिन महीने के हिसाब से कितनी बार श्री कृष्ण आए, तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। कब लेते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु उनका शासन चलता है। एक मनु के शासन में एक भगवान का अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। जो 7 ऋषि चुनते हैं जो धर्म का मार्ग बताते हैं, एक योग्य व्यक्ति अधिकारी को इंद्र चुनते हैं जो देवताओं का अधिपति होता है, तो ये हर मनवंतर की प्रक्रिया है। तो जो 7वां मनवंतर जब आता है, ब्रह्मा जी के दिन का जब 7वां मनवंतर आता है जो अब चल रहा है, इस वक्त हम ब्रह्मा जी के 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। ये वैवस्वत मनु का मनवंतर है। आप ब्राह्मण घर में संकल्प पढ़ाता है तो आप देखेंगे वैवस्वत मनवंतरे जम्बू दीवे दीपे, कहेगा ना वैवस्वत मनवंतर श्वेत वारा कल्पे। तो ये जो वैवस्वत मनु का टाइम है, अच्छा एक मनु के शासन में 4 युग 71 बार बदलते हैं, सत्य त्रेता द्वापुर और कलिजुग 71 बार बदलते हैं एक मनु के शासन में। तो जब 28वीं चतुर्युगी आती है, 7वें मनु की 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वो नंद नंदन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण स्वयं भगवान जो है, वो 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के द्वापुर के अंतिम चरण में प्रकट होते हैं। वैसे भगवान के अवतार तो आते ही रहते हैं, और जिस भगवान का अवतार धराधाम पे होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों का पोषण करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, वो विष्णु का अवतार होता है। अवतार जो धर्म स्थापन करने आते हैं वो विष्णु का होता है। भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं स्वयं, तो उनको ये काम नहीं करने, वो किसी विशेष उद्देश्य से आते हैं। इसलिए जब हम भागवत में पढ़ते हैं, वैसे भागवत नित्य है, भागवत नित्य है, और भगवान की लीला 2 प्रकार की है। एक भगवान की लीला नित्य है जो सदा निरंतर चल रही, उस
भगवान की लीला को कहते हैं नित्य लीला, वास्तविक लीला, और दूसरी लीला को कहते हैं व्यवहारिक लीला जो अवतार काल में होती है। तो श्रीमद् भागवत में जो कथा है वो व्यवहारिक लीला है, अवतार काल की लीला है, लेकिन भगवान की लीला तो निरंतर चल रही है। सो भागवत में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के ऊपर आतिताई राजाओं के भार के कारण पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी शंकर आदि को लेके क्षीर सागर पे भगवान के अवतार के लिए प्रार्थना करने गए। तो ये जो अवतार है ये वसुदेव और देवकी के यहां कारागर में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है। शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए, कीट कुंडल पहने हुए अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुआ है। ये वासुदेव कृष्ण है, ये धर्म स्थापना के लिए आया है, ये अधर्म के नाश करने के लिए आया है, ये रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में आया है, दूसरे चरण में रोहिणी नक्षत्र में। नंद भवन में यशोदा के यहां जो लाला पैदा हुआ है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो चार आत्मे नहीं आया, वो दो आत्मे आया, और वो रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रकट हुआ है, और वह नाम होता है दूसरे चरण में और तीसरे चरण में नाम होता है वी, वह विहारी, जो वृंदावन विहारी। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन के रूप में जब प्रकट होते हैं तो अब आप कहेंगे दो भगवान प्रकट हुए, हाँ बाकी दो भगवान प्रकट हुए, एक वसुदेव के यहां प्रकट हुए जिसको वसुदेव लेकर आए, और एक नंद भवन में प्रकट हुए जिसमें वसुदेव कृष्ण समा गए। क्योंकि जब पूर्ण भगवान अवतार लेता है तो सारे अवतार उसमें समाये होते, और भगवान कुछ लीला जब करते हैं कृष्ण तो भगवत भाव से करते हैं जैसे भगवान करता है, वो विष्णु की लीला है, असुर जितने मारे हैं सब विष्णु ने मारे, कृष्ण ने कुछ नहीं मारा। ऐसे कहते हैं जब पूतना स्तन पिलाने के लिए आई ना तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। आंखें क्यों बंद कर ली उसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की हुई है, उसमें एक बात केवल बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तो यहां दूध दही मक्खन खाने आया हूं, ये कहां मेरे को विष पिलाने आई है। आंखें बंद करके शंकर जी को कहा आइए आइए, विष पीना आपका काम है, आप विष पी लीजिए, इसका प्राण आप निकाल लीजिए, मैं इसका दूध पी लूंगा। तो भगवान ने आंखें बंद की, उसके पीछे ये रहस्य एक है। तो भगवान कोई असुर नहीं मारा है भगवान ने, ये तो सब विष्णु का काम है। श्री कृष्ण केवल मधुर लीलाएं की है और श्री कृष्ण केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं कि हम जो भगवान के प्रेम को भूल जाते हैं वो अपने प्रेम को अपने साथ गोलोक धाम से अपने पार्षदों को लाते हैं और उनके साथ इतने मधुर लीलाएं करते हैं कि हम आकर्षण होकर भगवान से प्रेम करने लगे। महात्मा कहा करते थे कि प्रेम तो दुनिया में सभी करते हैं लेकिन किससे करना चाहिए ये पता नहीं लगता है, इसलिए पछताते हैं। और कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई दुनिया में नहीं है जहां प्रेम का पाठ पढ़ाया जाए। तो भगवान प्रेम की पाठशाला खोलने के लिए आते हैं और श्री कृष्ण स्वयं भगवान 3 साल 4 महीने कुछ दिन तक गोकुल में लीलाएं करते हैं और वो लीलाएं वात्सल्य प्रेम के भक्त जो कृष्ण को अपना बालक मानते हैं, लाला मानते हैं, उनको आनंद देने के लिए होती है। और जब कृष्ण 3.5 साल के होते हैं तब वो 5 साल के लगते हैं
और 3.5 साल के बाद श्री कृष्ण एक के लिए, एक बालक श्री कृष्ण की सुरक्षा के लिए नंद बाबा ने गोकुल के साथ गोकुल छोड़ दिया, घर छोड़ दी, जमीन छोड़ दी, जायदाद छोड़ दी, केवल अपने चल संपत्ति बैलगाड़ियों में लेकर और जमुना को पार किया और जहां आज छत्तीसगढ़ है यहां आकर विराजमान हुए छत्तीसगढ़ वो जगह है जहां से हाईवे से हम वृंदावन में अंदर जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ शब्द निकला है छकड़ा, छकड़ा का मतलब बैलगाड़ी, जहां बैलगाड़ियां खड़ी थी। और फिर भगवान ने 3.5 साल तक वत्सचारण और गौचारण की लीला की, तब अपने सखाओं को सुख दिया और जो भगवान को अपना मित्र बनाना चाहते हैं उनको आकर्षण किया, और फिर 3.5 साल तक वहां से नंदगांव चले गए और तब उन्होंने गोपियों के साथ प्रेम का रास विहार किया है और जो भगवान को अपना प्रीतम मानते हैं उनको आकर्षण किया। ये भगवान की 11 साल की लीला है वृंदावन में। 11 साल के बाद श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आते हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह आती है अक्रूर घाट, वहां कृष्ण को लेने जो आया था अक्रूर, वो स्नान करने के लिए जब अंदर गया तो उसने देखा अनंत शेष और चतुर्भुज नारायण बैठा है। 3 बार देखा और रथ के ऊपर कृष्ण बलराम बैठे, ये भी देखा। तो यहां ये हमारे विद्वान आचार्यों का मानना है कि श्री कृष्ण भगवान कभी भी वृंदावन से एक पग बाहर नहीं जाते, वृंदावन में रह गए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप से अप्रकट लीला में, नित्य लीला में, और स्वयं बलराम वृंदावन रह गए। यहां से आगे संकृष्ण गया और वसुदेव कृष्ण गया, तो मथुरा में गए और 17 से 18 साल तक मथुरा में रहे। 17 बार तो आक्रमण करने के लिए जरासंध आया और हर बार हरा के गया, हार के गया। 18वीं बार ब्राह्मणों को कहा कि आप पूजा करो, मेरी विजय हो तो आपको बड़े उपहार दूंगा, और इस बार मैंने हारा तो आप सबको मरवा दूंगा। तो ब्राह्मण बेचारे आगे मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण ने कहा इस बार ब्राह्मणों की हत्या करना मेरा अपरावतार का उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं रण छोड़ के भाग जाऊंगा। तो भगवान रण छोड़ रहे हो गए। मथुरा की अद्भुत लीलाएं अपनी जगह पे हैं और मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान द्वारका में 90 साल तक रहे, अधिक समय उनका द्वारका में बीता। तब वहां वो द्वारकाधीश बन के रहे। आज हम एक श्लोक का रसास्वादन करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण के नामकरण गर्ग आचार्य ने किया, उसके उपरांत श्री कृष्ण बलराम अपने घर में घुटनों के बल चलना शुरू किया, फिर उठ के चलना शुरू किया और फिर थोड़े बड़े हुए तो गोपियों के घर में जाकर दही दूध माखन चोरी करना शुरू किया। तो गोपियां कठी होकर यशोदा को शिकायत करने आती है, शिकायत का बहाना होता है कृष्ण के दर्शन के लिए आती है। तो एक श्लोक का हम रसास्वादन करेंगे जो गोपियां
ये कृष्ण की ये है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला, ये वसुदेव कृष्ण की लीला नहीं, ये कृष्ण भगवान की लीला में गोपियां क्या कह रही है यशोदा को, और इसमें क्या है लीलाएं का रहस्य छुपा हुआ है, उसका रसास्वादन कर लीजिए आज आप। ये श्लोक है 10:8:29 वत्सान मुंचन क्वचिद समया क्रोश संजात हास। एक गोपियां कहती यशोदा ये तेरा लाला हमारे घर में आता है और ये हमारे बछड़े समय से पहले खोल देता है और गाय का दूध पी जाते हैं और हम इसके ऊपर क्रोध करते हैं तो ये हंसने लगता है और हमारा क्रोध समाप्त हो जाता है। अब लीला क्या है इसके पीछे, ये लिखने का अर्थ क्या है? वत्सान मुंचन असमय, बिना समय के बछड़ों को खोल देते, धोने गाय धोने का समय नहीं है, लीला क्या है? गोपी बड़ी चालाक थी, गोपी ने कहा आज कृष्ण की परीक्षा लेनी, मक्खन का मटका ताजा बना हुआ अपने कुर्सी के नीचे मूड़े के नीचे रखा, उसके ऊपर बैठी और कृष्ण को ग्वाल वालों के सामने बुला के कहती है कन्हैया हमने सुना है मक्खन कहीं भी रखा हो आपको पता लग जाता है, मक्खन को ढूंढने के लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, आज मेरे घर में मक्खन को ढूंढ के दिखाओ तो तेरे को मान। कन्हैया गोपी भी और देख के मुस्कुराया और अपने ग्वाल बाल को आंख मारी कि जाके बछड़े खोलो इसके, ग्वाल बाल ने जाके बछड़े खोले, बछड़े जाके गाय का दूध पीने लगे, कृष्ण के दारे गोपी तू बावरी है तेरे बछड़े देखो गाय का दूध पी रहे तू यहां बैठी है क्या? अरे वो भागती हुई बछड़ों को बांधने के लिए गई तब तक नीचे से मटकी उठाई और उसी के ऊपर बैठ के परमात्मा खाने लगे। अब ये उस गोपी को आनंद आया कि हमारे घर में माखन खाया, चोरी करने से पहले कृष्ण ने सोचा कि माखन की चोरी करनी शुरू करो तो पहले अपने घर से करो, कम से कम मैया मारेगी तो नहीं भाई, किसी घर में चोरी करने से पहले अपने घर में शुरू करें। सो अंदर जाके मटके से मक्खन निकाला और जो नंद बाबा के घर में बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, वायर वायर नहीं है, बल्ब नहीं है, वो जो उनके खंभे है ना वो रतन माणक के है, उसमें से प्रकाश निकलता रहता है, वो तो अपने आप में स्वयं प्रकाशित है। सो खंभे के सामने कृष्ण खड़ा हुआ तो उसको अपनी परछाई दिखाई दी, माखन खाओगे तो अपने अंदर से क्या आएगा, उसका अपना परछाई था, वो कहता तुम माखन खाओगे, बोले खा खा आधा तुम खा ले, वो कहता आधा तुम खा ले। यशोदा पीछे से देख रही है, बोला कन्हैया क्या कर रहा है? अरे मैया तेरे घर में चोर माखन लेके जा रहा है, खंभे में घुस गया, तेरे घर में चोर आया माखन चुराया और खंभे में घुस गया। मैया हंसती कहती है लाला ये खंभे में चोर नहीं है, ये तुम्हारा प्रतिबिंब है। मैया प्रतिबिंब क्या होता है? अब ये यशोदा गोद में बैठ के कहती है बेटा देखो अब खंभे में तुम दिख रहे हो, वहां दिख रहा हूं, मैया दिख रही है, यहां दिख रही है, अच्छा तो इसी को तो प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा भैया, मैया कहती बेटा तुम माखन चोरी मत किया करो, तेरा ब्याह ही नहीं होगा, ब्रज में कोई लड़की नहीं देगा, तुमको चोर कहेंगे। अब कन्हैया कहता है भैया अच्छा ये घर किसका है? बोला बेटा ये तो तेरा है। बोले नंद बाबा किसके? और वो तो तेरे है। बोले ये गैया किसकी? अरे कन्हैया ये तो तेरी है। ये नंद गांव किसका? तो कन्हैया तेरा है। अब उठ के पूछ के कहता है अरे मैया घर मेरा, नंद बाबा मेरा, गैया मेरी, मक्खन मेरा, चोरी करके खाऊं या ऐसे खाऊं तुम्हारे को क्या तकलीफ है, मेरी इच्छा जैसे खाऊं। आज ये मक्खन चुराने में सफल नहीं हुआ, दूसरे दिन अंदर जाके मटके में मक्खन में हाथ डाला। यशोदा मैया पीछे से देख रही है, वो
और गोपाल चंपू में लिखा है, यशोदा मैया कहती है ए मेरे बाप क्या कर रहे हो। तो मेरा बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है, अब डिस्टर्ब मत करो। अरे कौन सी समस्या आ गई लाला, तुमने ये लाल कंगन जो राग पहनाया है ना, इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया है। मैंने सुना है कि मक्खन में हाथ डालने से हाथ ठंडा होता, मैं तो हाथ को ठंडा कर रहा हूं। भैया भैया पास जाके कहती है लाला कंगन से हाथ गर्म हो गया, ठंडा किया तो मक्खन हाथ में होना चाहिए ना, ये मुंह में कैसे है। अरे मां मक्की बैठी थी उसको हटाया था तो मुंह में लग गया होगा, लग गया होगा तो खा लिया होगा। भैया कहते बड़ा चतुर है। तो गोपियां एक कोई एक घर नहीं है ब्रज का जिसमें कृष्ण नहीं किया हो, हर गोपी के घर में प्रवेश किया है। तो दूसरी गोपी आके कहती है स्तेयं स्वाद्वाति यथा तदीपय कल्पितैस्तै योगै। दूसरी गोपी आके कहती है स्तेयं का मतलब चोरी करना, ये भगवद गीता में शब्द स्तेयं है, किसी को याद है कहां है, स्तेयं का मतलब चोर। तीसरे अध्याय में सब कुछ भगवान की दया से मिलता है और जो उसको भगवान का धन्यवाद करके नहीं खाता है वो चोर है, स्ते नहीं वो भुगते, वो स्तेल लिखा है। भाई सब कुछ है तो भगवान का। एक बार एक बहुत बड़ा कलकत्ते का सेठ प्रभुपाद जी से मिलने गया मायापुर में, तो प्रभुपाद ने पूछा क्या काम करते हो, बोला हमारी सीमेंट की फैक्ट्री। बोला सीमेंट कैसे बनती, बोला पहाड़ से। बोला कहा पहाड़ किसने बनाया, बोला भगवान ने। तो बोला भगवान का मान लेके अपने नाम से बेचते हो। भाई बात तो सच्ची है, भाई पहाड़ तो तुमने नहीं बनाया, वो तो भगवान ने बनाया। बोला महाराज इसलिए तो हम मंदिर में आते हैं, कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो अच्छा है, कुछ देते हो लेकिन माल तो भगवान का इस्तेमाल उपयोग कर रहे हो ना, भाई सब कुछ है तो भगवान का ना, तो जो कुछ है हमारे पास वो भगवान का, ये शरीर भी तो किसने दिया, तो जो भगवान का है उसका कम से कम धन्यवाद करने के बगैर खाएंगे तो चोर कहलाएंगे। स्तेन एव स, ये भगवत गीता का श्लोक है। और यहां लिखा है स्तेयन स्वा, हाँ उसके बाद स्वादो अति, अति स्वाद जो हमारे घर में ऊपर ऊपर मलाई वाला मक्खन होता है ना, वो हम अपने पति के लिए या अपने पुत्र के लिए निकलते हैं, और जो बाकी होता है वो बेचने के लिए, मक्खन दूध दही बेचने के लिए बेचते, जो अति स्वादु होता है उसको हम बहुत अच्छी तरह से छुपा के रखते हैं। और अति स्वाद अथ दधी, अब बात कर रहे दधी की, और दधी पय, पय का मतलब दूध, दही और दूध जो अति स्वादिष्ट होता है, जो हम अपने प्रिय पुत्र के लिए या पति के लिए रखती हैं, उसको कल्पित ही स्तय योगी, रोज नया कोई ना कोई रास्ता निकालता है उसको चोरी करने का। तो दही की चोरी की क्या कथा है और दूध की चोरी की क्या कथा है। दही की चोरी की कथा ऐसे है, आ रहा था गली के अंदर से एक गोपी के घर के अंदर झांका, बहुत सुंदर दही जमा हुआ, पूरा परात तैयार पड़ा था, अंदर जाके लपालप छपाछप खाने लगा। गोपी ने कहा अरे अरे क्या कर रहा है, अरे मैया अपने घर का माल है खाने दो, अरे तेरी मैया का घर नहीं है मेरा घर है। अच्छा तो वो दही के अंदर इतनी चूंटियां पड़ गई, इतनी चूंटियां पड़ गई, मैं एक एक करके निकालना हूं, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं भैया। अब गोपी नजदीक आके कहती है अरे लाला चींटियां सब गई कम, बोले बिल में चली गई सब। अच्छा तो तुमने चींटी हाथ से निकाली थी ना, फिर तेरे मुंह में दही कैसे लगा हुआ। अरे भैया एक चिट्ठी यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई और यहां मुंह तक पहुंच गई, मुंह तक पहुंच गई, मैंने चिट्ठी को हटाया दही मुंह को लग गया।
अब गोभी की शिकायत क्या है हमारे घर में, अच्छे से अच्छे दही को चोरी करने के लिए आ जाता। अब तीसरी गोभी आगे कहती है पया दूध हमारे घर का चोरी करना, इसमें कौन सी कथा है? क्योंकि एक एक लाइन में इतनी सारी कथाएं हैं। पय का मतलब दूध। एक गोपी ने अच्छा सा बहुत सुंदर काढ़ा गरम करके कान के और दूध ऊपर छीके के ऊपर रख दिया, और छीके के ऊपर से एक बड़ा घंटा टांग दिया, और फिर पनघट पे जा गई और ग्वाल बालों के साथ कन्हैया को कहा कन्हैया आज मेरे घर में मेरी सास ने ये है कि घंटा नहीं बजना चाहिए ज्वाल के पास। अब कन्हैया ने दो चार पीड़े रख लिए लकड़ी के, उसके ऊपर ग्वाल बालों को खड़ा किया, उसके ऊपर खुद चढ़ गया अभी भी हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो अपनी लाठी निकाली और लाठी निकाल के और नीचे से मटके को फोड़ा, और जैसे मटका फूटा दूध ऊपर से गिरा। अब दूध कहाँ गिरा? भगवान श्री कृष्ण के सर के ऊपर गिरा, और सर के ऊपर गिर के सारे शरीर से नीचे आया और ग्वाल बाल दोनों तरफ से हाथ से पीने लगे, और एक घंटा जोर जोर से बजने लगा। कन्हैया कहता अरे घंटा तेरे पहला मत बजना, भगवान का अभिषेक हो रहा है, साक्षात भगवान का दूध का अभिषेक हो रहा है, आज घंटा नहीं बजे फिर कब बजेगा? भाई भगवान का जब पूजा होती है तब तो घंटा बजता है ना, तो आपका अभिषेक हो रहा है, ऊपर से दूध आपके ऊपर गिर रहा है, ये तो साक्षात आपका अभिषेक, अब घंटा नहीं बजेगा तो कब बजेगा? तब तक घंटी बजी, गोपियां चारों ओर से घेर लिया घर को, घर पूरा घिर गया। अब ग्वाल बाल कहते कन्हैया अब क्या करें? बोला जो गुरु करे सो चेला करे। बोला क्या करेंगे? बोला सब दूध लेके मुंह में भर लो, भर लो। बोला अब क्या करना? जो गोपी सामने आए ना उसके मुंह में दूध मार लो, बस हो गया, और उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और हम भाग जाएंगे। इसको कहते हैं दूध फूंक खार लीला। और ऐसे लोग तो दुनिया की आंखों में धूल डालते हैं, भगवान फिर भी दूध डालते हैं। सो दूध ऐसा डाला आपके गोपियां सब बेचारी आंखें मलने लगी, तब तक ये भाग के चले। ये है दूध चोरी के लिए। एक दिन यशोदा ने कह दिया कि गोपियों तो मेरे घर में रोज शिकायत करने आती हो कि तेरे घर में माखन चुरा के खाता है, कितना 3 साल का बच्चा भी नहीं है, कितना खाएगा, थोड़ा दे दिया करो। एक गोपी कहते कर रही माखन खाएगा, क्यों भीख मंगा हूं तेरे घर का खाऊ? मेरे बाप के घर में गाय नहीं है, 9 लाख गाय है, नहीं खाऊंगा। बोला फिर चोरी करके क्यों खाते हो? बोला मेहनत करके खाता मेहनत करके खाता हूं। ये कथा एक बार मैं कहीं इंदौर में ये बात कहीं से आई कह रहा था, तो एक पुलिस वाला बैठा था कथा में, पुलिस वाला हमको कहने लगा कि यहाँ आदिवासी है ना, रात को लोग कोई जाता है शाम को स्कूटर पे तो उसको लूटते हैं, आज दे दो पर्स दे दो ऐसे कुछ भी घड़ी ओलू रहते, वो लूटने के बाद उसको फिर मारते हैं। तो हमने एक आदिवासी को पकड़ा, हमने कहा भाई जब तुमको लूट का माल दे दिया, घड़ी दे दी, उसने पर्स दे दिया, फिर उसको क्यों मारते? बोला मेहनत करके खाते हैं, मुफ्त का नहीं खाते, थोड़ा तो मेहनत हम मेहनत करके खाते, कुछ मेहनत करके। तो भावना कहते भाई मैं चोरी में मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे तो बिना। आज भी ऐसे ब्रज में महात्मा है जो भगवान के सखा का भाव में रहते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध महात्मा था जिसको लोग जानते थे, वो कमिश्नर कलेक्टर जानते थे वहां पर। कन्हैया रात को उसको कहा अरे चलो चोरी करने चले, अरे लाला चोरी करने, अरे सखा चलो चोरी करने चले। उस बाबा जी को पकड़ के ले गए किसी घर में, और घर में गए चोरी करने लगे तो भगवान मक्खन खाने लगे, तो इसको मौज आ गई, ये कहा वाह वाह जय कन्हैया लाल की। तब तक मालिक जाग गए, कन्हैया भाग गया, इसको पकड़ लिया। बोले ये बाबा घर में चोरी कर,
अब बाबा को देख के लोगों ने पुलिस को दिया, पुलिस देख के उसको प्रणाम कर रही है, तो बाबा यहाँ का प्रसिद्ध प्रसिद्ध महात्मा है। अरे बाबा तेरे को क्या हो गया, तू किसी के घर में चोरी करने क्यों गया? तो क्या करूं, कन्हैया आया रात को, कहा कि चलना है चोरी करने, क्या करूं, उसको मना थोड़ी कर सकता हूं। बस उसके साथ चला गया, वो खा के नट कर भाग गया, मैं पकड़ा। अभी भी आज ऐसे एक कन्हैया का सखा का भक्त था ब्रज में, रोज गैया चरा के कन्हैया घर, ग्वाल बाल गैया चराते थे ना, तो वो बाबा जी आके पास में बैठता था, ग्वाल बाल रोटी निकालते थे, खाते थे और खा के उछला जाता था। एक दिन बाबा आके बैठा तो ग्वाल बाल ने कहा रोटी खाओ, बोला आज खाने की इच्छा नहीं। बोला क्यों? बोला आज मेरे को भगवान के धाम जाना है। और ग्वाल बाल ने रोटी खा ली तब तो वो सो गया और मर गया। तो ग्वाल बाल ने कहा हमारा मित्र था, रोज आता था भोजन करता था, अब शरीर छूट गया, वो बेचारे लकड़ी वकड़ी लाए, उसको कंधे के ऊपर उठाया और जैसे ले जा रहे थे, बुढ़िया का घर था, बुढ़िया बाहर निकल के कहा कि कौन मर गयो? बोले वो बाबा है। बोले बाबा को आज ही मरना था, कल मेरी लड़की की शादी है, एक दिन रुक गया होता तो क्या होता, ये जल्दी थी मरने की क्या? तब तक बाबा ऊपर उठ के बैठ गया, बोला ए मैया तेरी लड़की की शादी कर ले, हम कल परसों मर जाएंगे, हमें क्या? वो इच्छा मृत्यु का उसके अंदर सामर्थ्य था। और ये जैसे उठा ग्वाल बाल उसको नीचे रख के भागे के भूत हो गया क्या? अभी मर गया था, अब जिंदा कैसे हो गया? ये बाबा अपनी वो अर्थी को कंधे के ऊपर उठा के ले गया था अपनी कुटिया में, और ठीक माता जी की बेटी का शादी हो गया उसके दूसरे दिन अपने आप को फिर भगवान की सेवा में जाके लगाया। तो आज भी भगवान के ऐसे सखा है ब्रज में जिनसे भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। और आगे लिखा है मरकान भोक्षम विभज्जति, मरकान मरकान कहते हैं बंदर को, जब एक वचन में मरकान मर्क होता है तो हनुमान जी का प्रतीक होता है, जब बहुवचन में होता है तो बहुत सारे बंदर होते हैं। तो एक दिन कन्हैया अपने ग्वाल बालों से गोपियों सब गोपियों के घर में जाके कहते हैं दही दो दूध दो मक्खन दो। बोला क्या करना है? बोला अयोध्या से मेहमान आए हैं उनको भोजन कराना है, सबके घर से मटकी दूध दही के लेकर और बंदरों को खिला रहे। अब गोपियां कहती अरे बंदरों को क्यों खिला रहे कन्हैया? बोला यही तो अयोध्या से मेहमान आए, यही तो हमारे साथ में रावण के युद्ध में ऐसी सेना हमारी यही थी, और ऐसी राम जी जैसी सेना आज तक दुनिया में किसी नहीं बनाई। जीरो बजट आर्मी राम जी की, राम जी की सेना के ऊपर एक रुपये का खर्चा नहीं हुआ, न वानरों को वर्दी की जरूरत थी, न भोजन की व्यवस्था करने की जरूरत थी, और न ही उनके लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत थी, एक रुपया भी खर्च नहीं राम जी के पूरी आर्मी के ऊपर, जीरो बजट आर्मी दुनिया में किसी की नहीं है। राम जी भाई कोई कपड़ा कौन किसको वर्दी तो पहननी नहीं है उनको, भोजन तो अपना फल फूल खा लेते हैं और उठा के पहाड़ और वृक्ष लोगों को मार देते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा बहुत सेवा की थी उन्होंने तो इनको खिला रहा। तो बना ये दामोदर लीला में तो यशोदा मैया ने जब पकड़ के कहा कि बंदरों को मक्खन किसने खिलाया? बोले जिसने बंदर बनाए। बोले तुम बंदरों का मित्र है। बोले फिर मेरे को छोड़ो, पकड़ा क्यों? जाता हूं बंदरों का मित्र हो तो बंद में जाके रहूंगा। मटका फोड़ा? नहीं। तो मटका कैसे फूटा? इतनी चांदी की कड़ी तेरे पांव में है, तू भागती भागी उठी मटके को, लगा टूट गया होगा, मुझे क्या पता, मटका मैंने थोड़ी तोड़ा। रोज गोपियां शिकायत करती हैं, आज मेरे घर में मैंने देखा और कल पीछे भाग रही है यशोदा। गोपियां पूरी पूरी कहती हैं अरे यशोदा कहां पीछे भाग रही हो, लाला को छोड़ दो। बोले क्यों? तेरे घर में मक्खन खाता है तब शिकायत करती है, मेरे घर का मटका फोड़ा है तब छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगी, आज इसको पकड़ के बांध के रखूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी इसको।
पीछे से जाके पकड़ लिया कन्हैया को, एक हाथ में लाठी थी, कन्हैया की आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रहा है, पर ऐसे काजल मसल मसल के बाहर निकाल रहा है, एक हाथ से एक हाथ तो मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया तूने मटका फोड़ा, मैया लाठी फेंक के बात करो, लाठी लाठी नहीं लाठी लाठी फेंको। मैया ने कहा ये डर जाएगा बेटा, इसके कहीं बुखार ना आ जाए, लाठी फेंक दी, क्योंकि मैया तो प्रेम करने वाली थी। वो प्रेम करने वाली कितनी थी, यशोदा के बड़ी उम्र में बच्चा नहीं था यशोदा को, एकादशी का व्रत रखा था पूरा 12 महीने एकादशी का व्रत नंद और यशोदा ने रखा था। और सुबह को सवेरे नंद बाबा स्नान करके जमुना से 4 बजे जाते हैं स्नान करने, नंद बाबा जमुना जी वापस लौट रहे थे तो ब्राह्मण अपने अपने बाहर ओटलों के ऊपर दांतन कर रहे थे, तो नंद बाबा ने अपने पादुका उतारी और ब्राह्मणों को प्रणाम किया, बाबा बहुत ब्राह्मण भक्त है, तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया पुत्रवान भव। नंद बाबा हंसने लगे कि अब इस उम्र में कोई पुत्र होगा हमको, ये ब्राह्मण कोई आशीर्वाद सोच समझ के तो दिया, पर ब्राह्मण का सोच समझ के दे वो आशीर्वाद नहीं होता है, जो अंदर से भगवान ने कहला दिया वो कहला। नंद बाबा तो घर में आए, नंद बाबा के घर में सालंग राम था, वो नारायण शिला सालंग राम की उसकी पूजा करते थे वो नंद बाबा, ये छोटा कन्हैया पास में बैठा है नंद बाबा के। अब वो सालंग राम को नंद बाबा रसगुल्ले का भोग लगा रहे, गुलाब जामुन का भोग लगा रहे, कन्हैया कहता है इतनी सारी मिठाई खाता है ये भगवान, कितना मीठा होगा। नंद बाबा आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भोग लगाओ भगवान, वो सालंग राम लेके मुंह में डाल दिया, कन्हैया ने डाल दिया सालंग राम मुंह में। नंद बाबा आंख खोल के देखते हैं, अरे यशोदा मेरा भगवान कहाँ गया, अरे आप और आपका बेटा और कोई तो है नहीं, अरे कन्हैया तुमने सालंग राम देखा, मुंह में सालंग राम पड़ा है, बोले ये क्या किया, बोले इतना मिठाई रोज खाता है, मैंने समझा ये बहुत मीठा होगा, लेकिन ये तो मीठा नहीं है। अरे जब सालंग राम निकाल के जमुना में स्नान करा के गए, अरे हमारे बालक के ऊपर कृपा करना भगवान, इससे अपराध हो गया। कहते वो सालंग राम आज भी कोटा में पूजित है, जो नंद बाबा के घर में सालंग राम था वो अभी भी कोटा में वो वल्लभ संप्रदाय के यहाँ पूजित है। आज यशोदा मैया के मन में आया कि इसकी बुद्धि अच्छी हो, गणपति की पूजा करा लेती हूँ, ब्राह्मण को बोला कर 1.25 मन लड्डू बनाए और गणपति के आगे कन्हैया को पकड़ के गई, कन्हैया ग्वाल बालों को साथ लाए। यशोदा आंखें बंद करके कहती हे बुद्धि के देवता विघ्न विनाशक, मेरे बच्चे की बुद्धि। यशोदा ने आंखें खोली, अरे कन्हैया ये लड्डू कहाँ गए, अरे मोटू में खाया होगा इस गणेश ने, देखो पेट कितना बड़ा है इसका, इसलिए तो सारा खा गया, आपने इसको कहा खाओ ये खा गया होगा। अच्छा कन्हैया ये कोई भगवान का मूर्ति लड्डू खाता है क्या, बोला फिर कौन खा गया, ग्वाल बाल कहते इसी ने हमको दिया, हमने सबको खा लिया लड्डू, तो हमने सब खा लिए। हे गणपति मैं तो बुद्धि की वृद्धि के लिए प्रार्थना कर रही थी, ये तो आपका भोग ही खा गया। अब तो गणपति बोल उठा, बोला आज मेरे को कृष्ण का प्रसाद मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी बुद्धि क्या, इसकी वाणी की निकली हुई गीता विश्व प्रसिद्ध सदा के लिए रहेगी जब तक सूर्य चांद रहेगा, तो इसकी कौन सी बुद्धि कम है, ये हमको बुद्धि देने वाला है। तो ऐसे मधुर मधुर लीलाएं करके उन भक्तों को कितना आनंद मिला होगा जिनके यहाँ ये लीलाएं की। तो यहाँ है मरकान भक्ष भोक्षा, मरकान भोक्षण का मतलब बंदरों को खिलाता है, और फिर लिखा है विभजंती सच्चे न भांडाम विनंती। अगर बंदर मुंह बिगाड़ता है तो समझता है अरे ये मक्खन इतना खराब है कि बंदर भी नहीं खाता है, मटका लेके ऐसे फोड़ता है, विनंती भांडम वो मटके को फोड़ देता है, अरे बंदर भी नहीं खा रहे, ऐसा मक्खन बनाया अगर नहीं,
तीसरी गोपी कहती है हमारे घर में बर्तन सब तोड़ के चला जाता है। चौथी गोपी कह रही है द्रव्य लभ्य सग्रह कुपितो याति उपक्रोशतो का। द्रव्य अलभ्य, घर में आए कुछ नहीं मिले दूध दही मक्खन, तो क्या करता है? बोला सोया हुआ हमारा छोटा बच्चा है ना, उसको चुंटी लगा के जगा के चला जाता है और वो रोता है ये बाकी। बोला कौन सी लीला हुई? गोपी एक ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया हाँ बोलो गोपी क्या करना है? बोले मेरा छोटा लाला है ना, इसको झूले में झुला के सुला दे, मेरे काम कर लू, तेरे को मक्खन खिला दू। हाँ मैया इसको मैं अभी सुला दूंगा, मक्खन दोगी ना? हाँ मक्खन तो बहुत है। कन्हैया कहता सो भैया सो जा, तू बड़ा होएगा तेरे को ग्वाल बाल बनाऊंगा, मेरे संग चलना, तेरे को प्रसाद खिलाऊंगा, बच्चा सो गया। अरे गोपी तेरे बच्चे को सुला दिया, मक्खन लाओ। गोपी बड़ी होशियार थी, घर में कुछ था नहीं। बोले कन्हैया आज मक्खन तो निकला ही नहीं। अच्छा मक्खन नहीं निकला तो दही दे दे। दही में मक्खी पड़ गई कन्हैया। अरे तो छाछ है बहुत खट्टी है, मैंने तो गाय को पिला दी, तो तेरे बाप का नौकर हूं, तेरे बच्चे को सुलाओ। दे चुटी मार के फिर उसको जगाता है, ले तेरा बच्चा, अब नहीं खिलाया तो क्या करे, उसको चुटी मार के चला गया। गोपी कहती है ऐसे करता है हमारे घर में आके कि कुछ नहीं देखने को मिलता है, कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो बच्चों को चुटी मार के भाग जाता है। अब सारी गोपियों ने बहुत बड़ा मीटिंग किया कि इस बार कन्हैया को पकड़ना है, अब छोड़ेंगे नहीं। घर बुलाया कि आइए हमारे घर में मक्खन खाने के। कन्हैया घर में गया तो गोपियों सारियों ने पहले से योजना बना दी थी, दरवाजे पे खिड़कियों में छीके में सब जगह घंटियां बांध रखी थी कि ये आएगा ग्वाल बालों के संग मक्खन चुराएगा, घंटियां बजेंगे, हम इसको पकड़ लेंगे। कन्हैया दरवाजे के ऊपर पहुंचा, ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया गोपियां बड़ी होशियार है, देखो कितना बड़ा षड्यंत्र है तुम्हारे को पकड़ने का, हमको छोड़ेगी नहीं। बोला कोई बात नहीं, ये घंटियां अपनी आ गया मानती, अरे कोई घंटी नहीं बजेगी जी, आ गया। सब अंदर कूद गए, कोई घंटी नहीं बजी। ऊखर के ऊपर चढ़े, मक्खन उतारा, ग्वाल बालों को दिया, ग्वाल बालों ने खाया, बंदरों को दिया, बंदर मुंह बिगाड़ने लगे। कन्हैया ने कहा इतना कोई अच्छा मक्खन नहीं है, बंदर नहीं खाते, टेस्ट तो करूं कैसा है। कन्हैया ने मुंह उंगली अपने मुंह में डाली, सब घंटियां जोर से बजने लगे। फिर कन्हैया ने कहा अरे आपको कहा था नहीं बजना। बोला भगवान आपने शास्त्र में लिखा है भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे, अब भगवान को भोग लग रहा है भाई, भगवान को भोग लगेगा तो घंटी बजेगी ना। इसलिए सिद्धांत ये है कि जो शास्त्र का नियम है वो भगवान भी मानते। शास्त्र में लिखा है कि भगवान को भोग लगे तो भगवान की आज्ञा थी मत बजो, लेकिन शास्त्र में लिखा है बजो तो घंटियां बज गई और भगवान को मानना पड़ा। श्री रामचंद्र जब अपने पिता को पिंडदान कर रहे थे चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे पे, तो दशरथ का हाथ बाहर निकल आया, तो आटा तो था नहीं, राम जी वनवास में थे तो इमगुदी का पेड़ था, उसको गोला बनाया था। पंडित जी ने कहा महाराज सबके पिता का हाथ नहीं निकलेगा, ये पिंड तो कुछ घास के ऊपर रखना पड़ेगा, आप अपने पिता के हाथ को नमस्कार करो। तो राम जी ने आज्ञा का पालन किया, शास्त्र की आज्ञा का पालन किया, अब घंटी तो बज गई, गोपियां आ गई, ग्वाल बाल भाग गए, कन्हैया को गोपी ने पकड़ लिया। पकड़ के कन्हैया के हाथ को गोपी ने आज यशोदा को दिखाऊंगी, रंगे हाथ पकड़ा, मक्खन खाते हुए बंदरों को खिलाते हुए मटका फोड़ते हुए देखा है, लेके गोपी बाहर निकली। गोपी का छोटा बेटा पीछे खड़ा था, खड़े ने कहा इधर आओ, अरे भैया इधर आओ, इशारा किया वो आ गया। सामने से बड़े गोप आ रहे थे, नंद उपनंद आदि। बोला गोपी तुम्हें लज्जा नहीं आती, घूंघट नहीं निकालती, ऐसे मुंह खोल के चलती है?
उस बेचारे ने मुंह का घूंघट निकाला, बोला इस हाथ को इतना कटो इतना पकड़ा पकड़ा है, मेरा हाथ दुख रहा है, दूसरा हाथ पकड़ ले, ये हाथ थक गया। उसने हाथ छोड़ा, उसके बेटे का हाथ उसको पकड़ा दिया और कन्हैया भाग के घर चला गया। अब गोपी पकड़ के उस हाथ को ऐसे घूंघट तो निकाला हुआ है, ये देख यशोदा तेरा लाला मक्खन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, मुंह में मक्खन लगा, हाथ में मक्खन लगा है। यशोदा हंसने लगी, अरे गोपी तू किसको लाई है, मेरा लाला तो अंदर सोया हुआ है, वो तो कल आज तबीयत ठीक नहीं, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, आज गया नहीं कहीं, वो सोया हुआ है, तू अपने छोरे को पकड़ के लाई है। हाँ पीछे देखती अपना चल, एक थप्पड़ मारी उसके, तू कहां से आ गया छोरा, पकड़ा तो कृष्ण को, तू कहां से आ गया। अब गोपी बाहर बेचारी लज्जित होके बाहर निकली, कन्हैया गोपू से दरवाजे घूम के बाहर आया, क्यों रे गोपी, पहले तो गोपी को काम क्यों रे गोपी। तब बच्चा रोने लगा था, अरे बोला भैया तू रो मत, मेरे कारण आज एक थप्पड़ खाई ना, कल किसी गोपी के घर में मक्खन चुराऊंगा, पहले तुम्हारे से भोग लगाऊंगा, तुम आपको गुस्सा करना बंद करो। तो बच्चा हंसने लगा, गोपी को कहा तुम दोबारा कभी पकड़ोगी मेरे को ना, इस बार तेरे बेटे का हाथ या अपने पति का हाथ पकड़ा दो, तो अपने पति को घसीटते लेके आना इधर। सो ऐसी मनोहर लीला भगवान श्री कृष्ण की। अब इन लीलाओं को सुनने से हमको इतना सुख मिल रहा है, तो जिन्होंने इन लीलाओं को देखा होगा उनको कितना सुख मिला होगा। अब थोड़ी देर ऐसे आंखें बंद करके आपको एक छोटा सा पांव में घुंघरू बांधे हुए है, सुंदर चांदी की पायल पहनी हुई है, कमर में करधनी बंधी हुई है, हल्का सा कपड़ा तो है नहीं, छोटा सा कपड़ा है, नीलमणि जैसा सांवला बालक है, उसको ऐसे ध्यान में आंख से आंख मिला के उसको देखो तो मन लग जाएगा। लोग कहता है मन लगता नहीं है ना, उसको देखने का प्रयास करो कि वो बालक कितना सुंदर है। सो हमने वो कथा बीच में छोड़ी थी कि ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया कि नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा तो घर में जाके सालंगराम की पूजा करने लगे, जैसे हमने आपको बता दिया। ये ब्राह्मण सारे उठ के चले गए सांडिल्य ऋषि के पास और सांडिल्य ऋषि को कहने लगे, गुरुदेव नंद बाबा को हमने आशीर्वाद दे दिया है पुत्रवान भव, अब ये आशीर्वाद सच्चा कैसे होगा। सांडिल्य ऋषि कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, 18 अक्षर गोपाल मंत्र का जप करेंगे और 125 करोड़ का जप करेंगे, फिर यज्ञ करेंगे, और नंद बाबा तो बड़ा उदार है, महामन उसका नाम है, वो दिल खोल कर देता है, कितना दिल खर धोल खोल कर देता है। जब जब नंद उत्सव हो रहा था ना, तो सारे देवता देखने आए थे उसको ब्राह्मण के रूप में, तो शंकर जी अपने नंदी के ऊपर चढ़ के आया था और पार्वती अपने गणेश को गोद में लाई थी। जब नंद बाबा ऐसे कह रहे ये गाय तुम ले लो, ये गाय तुम ले लो, तो शंकर जी अपने बेल का पूछ पकड़ के खड़ा हो गया, बोले ये क्या कर रहे हैं बाबा, बोले ये कहीं बाबा भूल में मेरा बेल किसी को दान न कर दे, ये तो किसी का जो आता है उसको दे रहा है। और पार्वती गणेश को ऊपर से ढक रही है कि इसका मुंह देखे नहीं, बोला क्यों क्या क्या कर रही है मैया, बोला ये छोटा हाथी बड़ा हाथी सबको दे रहा है, ये कहीं हाथी का बच्चा समझ के दान न कर दे, मेरा बच्चा ही कहीं चला न जाए। तो इतना दान उधारता से नंद बाबा देता है, उसका नाम है महामना। घर में अगर मानो के 100 रुपया है तो 500 रुपया दान करने की दिल रखता है, तो ये नंद बाबा की विशेषता है, उसको कहते हैं महामना। सो नंद बाबा तो बड़ा यज्ञ कराएगा और यज्ञ बहुत, जमुना के किनारे महान यज्ञ का कुंड बना और ब्राह्मणों ने गोपाल 18 मक्षर मंत्र का जप किया और 125 करोड़ की जब जब पूरा हो गया और यज्ञ में आहुति होने लगी ना, तो आकाश से एक नीला प्रकाश नीचे आने लगा, सब उस प्रकाश को देखने लगे और प्रकाश वो छोटा बालक की आकृति बन गया और सीधा नंद बाबा के हृदय में बस गया। सबने ये देखा कि नंद बाबा के हृदय में उस यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय
एक नील मणि जैसा बालक प्रवेश किया और ये सबने देखा। और नंद बाबा जब घर गए तो यशोदा को कहा, ऐसे अद्भुत बालक मेरे हृदय में प्रवेश हुआ है। अब भगवान देखिए, अब भागवत के शब्दों को पढ़ेंगे तो लिखा है भागवत में, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकरम। भगवान जो विश्व आत्मा है, सबसे प्रेम करता है, भक्तों को भय से मुक्त करता है। भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकरम अविशेष अंश भागे न, अपने सारे अन्य अंशों के साथ मन अनंक दुमदुभी ही। अनंक दुमदुभी वसुदेव का नाम है। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं के नगारे और दुमदुभियां अपने आप बज गई थी, तो अनंक दुमदुभी वसुदेव का नाम है। वसुदेव के मन में भगवान ने प्रवेश किया, ऐसे लिखा है। भागवत का मूल श्लोक पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान वसुदेव के मन में प्रवेश किया। और फिर लिखा है, स्थानांतर करके देव रूपेण देवकी के हृदय में आए। और इसके तात्पर्य में लिखा है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दीक्षा। गुरु के हृदय में भगवान प्रकट होता है, दीक्षा के समय शिष्य के हृदय में भगवान को स्थानांतर करते हैं। ऐसे मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी और भगवान उसके हृदय में आया। पेट ऐसे ही भूलने लगा, लेकिन पेट में भगवान आया ऐसा नहीं लिखा है। और वहां यशोदा मैया कह रही है कि मेरे को भी वो लाला जो आपके हृदय में आया था वो मेरे हृदय में भी है। और फिर 8 महीने में भगवान का प्रकट्य 8 महीने में हुआ है। कृष्ण का प्रकट्य 8 महीने में, मैं कहता हूं 8वें महीने में हुआ है, जहां तक मेरे को याद है। वहां वसुदेव के वहां देवकी के यहां भी बालक है, और यहां यशोदा के यहां भी, यशोदा भी अब गर्भवती है। 5 भाई है नंद बाबा आदि। असल में वसुदेव और नंद बाबा का आपस में संबंध है, आप किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? देवमीर मां नाम का राजा था, उसके 2 पत्नियां थी। एक वैश्य पत्नी थी जिससे प्रजन्य का जन्म हुआ, दूसरी क्षत्रिय पत्नी थी जिससे सूरसेन का जन्म हुआ। सूरसेन के घर में वसुदेव का जन्म हुआ और प्रजन्य के घर में 5 नंद उपनंद सुनंद आदि पुत्र हुए। तो आप बताइए कि दादा तो दोनों का एक ही। इसलिए शास्त्र में लिखा है यशोदा का दूसरा नाम देवकी है। यशोदा तो इसलिए कहते हैं, वो सबको यश देती है, लेकिन उसका नाम देवकी है। और नंद और वसुदेव आपस में भाई हैं, दोनों का दादा एक है। एक वैश्य पत्नी से हुआ, एक क्षत्रिय से हुआ, तो एक क्षत्रिय वंश हुआ, एक वैश्य वंश। तो वहां भी जन्म की तैयारी चल रही है, और यहां यशोदा के यहां भी बालक के जन्म का टाइम हो रहा है। तो ये 5 भाइयों को एक बहन भी है। तो बालक का जब घर में जन्म होता है ना, तो बुआ को बुलाना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों को भेजा बैलगाड़ी में बुआ को लेके आओ। बुआ घर में आई, बुआ ने आके सारे घर का काम संभाला। सुनंदा नाम है, ऐसे कुछ नाम है। वो घर में आई, सब काम संभाला। तो नर्स जिसको बुलाया था प्रसव के लिए, वो यशोदा से पूछ रही है कि तुमने कभी जुड़वा केला खाया क्या? डबल बोला, क्यों कैसे क्यों पूछ रही है? बोला, तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं। अब ये बात ऐसे सामान्य नहीं है, 2 बच्चे हैं, क्योंकि एक श्री कृष्ण है, एक उसकी अनुजा योग माया का जन्म हुआ है। इसलिए कहते हैं
कि नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार किया। जात कर्म संस्कार कहते हैं माँ से बच्चे का जो नाड़ी का संबंध है उसको काटने को कहते हैं जात कर्म संस्कार। तो क्या वसुदेव नाड़े के साथ बच्चा तो गोकुल नहीं लाया होगा ना? इसका मतलब एक बच्चे का जन्म वहां हुआ तब तो नाड़ा कटा ना। इसका मतलब एक बालक को जन्म यशोदा ने दिया। और दूसरा भागवत में लिखा है कृष्ण ने कहा था तुम मेरी अनुजा के रूप में यशोदा के यहां जन्म लेना। तो अनुजा का मतलब छोटी बहन, तो बड़ा भाई होगा तब छोटी बहन होगी ना। तो बड़ा भाई कृष्ण और छोटी बहन ये योग माया, इसको देवकी बचाने के लिए कंस को बहुत प्रार्थना किया। तो देव योग माया ने कहा कि इतना मुझसे प्रेम करती है देवकी, वो वापस सुभद्रा के रूप में देवकी की बेटी और कृष्ण की छोटी बहन ही रही। तो अब यहां सब तैयारी हो रही है नंद हर घर में भी बालक के जन्म की, और वहां जेल में कोई तैयारी नहीं है। सूत्री अब जेल में ऐसा जेल कारागृह ऐसा था कि वसुदेव भी राजपुत्र था तो बहुत बड़े महल में रुका हुआ था, पांव में बेड़ियां डली हुई थी जो हाँ दरवाजे तक जा सके, हाथ में हथकड़ियां थी चल सकता था। और सूत की गृह में भगवान का प्रकट्य हुआ चतुर्भुज रूप में अद्भुत बात। उससे पहले ब्रह्मा शंकर इंद्र इंद्र आदि सब देव स्तुति करने के लिए आते भगवान के प्रकट से पहले। अरे गर्भ को सारे शास्त्रों में कहा है गर्भ की निंदा की है, लेकिन भगवान जब आते हैं तो सारे देवता स्तुति करने आए। बहुत अच्छी गर्भ स्तुति है, कभी सिर्फ गर्भ स्तुति के श्लोक को सुनेंगे तो 5 दिन लगेंगे कम से कम, इतना उन श्लोकों में रस। वो शंकर जी और ब्रह्मा जी वो श्लोक गा रहे हैं, उनके जाने के बाद बहुत सुंदर इतनी कथाएं लिखी हुई है उसके अंदर, कैसा वातावरण सुंदर होता है, वो अद्भुत वातावरण का लिखा हुआ है कि आकाश में बादल बड़े प्रसन्न थे। आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? बोला समुद्र को हमने कई बार कहा कि तुम्हारे अंदर भगवान सोया हुआ है, दर्शन करा दो। भाई भगवान कहां सोता है? भगवान कहां सोता है? क्षीर सागर में सोता है। अच्छा लक्ष्मी का जन्म का लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? क्षीर सागर से। तो भगवान शंकर कहां रहे और नारायण कहां रह रहे हैं? ससुराल में रहे और कहां रहे? ससुराल में रह रहे हैं ना भाई। पार्वती का जन्म कहां? पार्वती किसकी पुत्री है? पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय की। और शंकर जी कहां रह रहे हैं? हिमालय में। तो अभी अपने ससुराल में रह रहे हैं और कहां रहे? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों ब्रह्मा शंकर और नारायण दोनों घर जमाई बन के ससुराल में रह रहे आज तक, तो उधर ही बैठे हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। सो बादलों ने कहा कि हमने समुद्र को कहा कि भगवान का दर्शन करा दो, उन्होंने कहा पहले परोपकार करो, खारा पानी समुद्र का ऊपर करो, मीठा करो, बरसाओ, तुम्हारे को दर्शन कराएंगे। आज तक नहीं कराया। आज जो कन्हैया जन्म ले रहा है ना हमारे नाम के साथ, इसका नाम जुड़ेगा, उसका नाम होगा श्याम, श्याम सुंदर। तो घन श्याम, और घन श्याम घन मने घना, श्याम मतलब सांवले रंग का बादल। आज बादल प्रसन्न है कि हमारे जाति के नाम के साथ कृष्ण का नाम जुड़ गया। नदियां बड़ी प्रसन्न होके आनंद से, बरसात की ऋतु है, पानी कैसा नदियों का होना चाहिए, मिट्टी वाला होना चाहिए ना, लेकिन बहुत स्वच्छ बह रही है, अंदर कमल खिले हुए हैं। और लिखा है कि कमल रात को नहीं खिलता, ये कमल रात को खिला है। अब कृष्ण चंद्र आ रहा है सो कमल खिला है, तो नदियों का कहा इतने तुम प्रसन्न क्यों हो? बोला हमारी बहन जमुना भगवान की चतुरी पटरानी बनेगी, तो हमारा बहनों ही आ रहा है, आज हमने प्रसन्न होगी तो कब होगी? वो नदियों के मन में ये भाव है कि जमुना चतुर पटरानी बनेगी तो हम तो इसके तो हम तो सालियां हो गई ना, तो हमको तो सुंदर होना ही चाहिए ना। और सारी पृथ्वी में 6 ऋतु के पुष्प खिले। पृथ्वी वसुंधरा कहती है मैं तो भगवान की पत्नी हूँ, विष्णु पत्नी हूँ, आज नारायण स्वयं पधार रहे हैं तो श्रृंगार करके मुझे भी सज के तैयार होके बैठना चाहिए ना। ऐसा वातावरण हुआ
मेरे ख्याल में बुधवार का दिन है और पूरा लंबा सोचेंगे तो सातवां मनवंतर है, 50 साल ब्रह्मा के पूरे हुए हैं, 51 साल का पहला दिन है, उसका सातवां मनवंतर है, 28वीं चतुर्युगी है, द्वारपुर का अंतिम चरण, बाकी द्वापर 1000 साल रहने वाला है बस, और मध्य रात्रि है, 12 बजे है, अष्टमी की रात्रि है, आधा पूरा है, चंद्रमा पूरा निकला है, है अष्टमी की रात लेकिन चंद्रमा पूरा निकला है। अरे हमारे वंश में प्रकट हो रहा है, चंद्र वंश में आ रहा है, तो आज नहीं खिलेंगे तो फिर कब खिलेंगे, पूरा चंद्रमा विकसित ऊपर और चंद्रमा निकला है, इसलिए कमुदनिया अपने आप खुल गई है, खिल के खड़े हो गई, वो चंद्रमा से गिनती, और अजन्मा का लिखा शास्त्र में जायमान अजन्मा, अजन्मा ने जन्म लिया, यहां तो जन्म लिया चतुर्भुज में और माता पिता से बातचीत करने लग गई, दोनों ने प्रार्थना की, उनको कहा तुम्हारे 3 बार मैं पुत्र हुआ हूं, पहले 2 बार पहले हुआ मैं, तीसरी बार है, अब तुम्हें कंस से डर लगता है ना, सोरेन परचोद्यात, हे सूरसेन का पुत्र मेरे को यहां से गोकुल ले चलो, और वहां बालकी यशोदा के यहां है उसको यहां लेके आओ, ये भगवान ने आदेश दिया। ऐसा कोई बच्चा कहीं किसी नर्सिंग होम में पैदा हुआ है, माँ बाप को कहा हो कि मेरे को घर ले चलो, तो ये भगवान है इसका प्रकट, लेकिन ये यहां वहां कथा हो रही है, और वहां यशोदा के वहां भी घर में मंगल का होना है और दोपहर का समय है, यशोदा मैया और नंद बाबा को यशोदा कह रही है कि मैं आपकी गोद में बहुत सुंदर लाला आपके दाढ़ी के साथ खेलता हुआ देख रही हूं, और नंद बाबा कहते हैं यशोदा मेरे को भी आपकी गोद में बहुत सुंदर बालक दूध पीते हुए नीलमणि दिख रहा है। इतनी देर में शांडिल्य ऋषि उनके गुरु आ गए, दोनों ने कहा कि हमने तो स्वप्न देखा है और स्वप्न में हमने ऐसे कृष्ण का, हमने ऐसे बालक का दर्शन किया है। शांडिल्य जी पंचांग खोल के कहते आज रात को 12 बजे तक आपके घर में जन्म होने वाला है, अब तो यह तैयारी तो जन्म की पहले से है, पहले से बताया हुआ है, लेकिन योग माया ने सबको सुना दिया, जो जहां बैठा था वहां सो गया, और वसुदेव जब आया, जिस बालक को वसुदेव ला रहा था, तो उस दिन बहुत बड़ी भारी बारिश हो रही थी, बारिश के लिए ऐसे लिखा है भागवत में, जैसे कन्हैया बाहर आया हल्की बूंदाबांदी इंद्र ने की, बोला बालक का जन्म हुआ है, स्नान भी किसी ने नहीं कराया, जेल में मैं भगवान का स्नान करा रहा हूं, लेकिन फिर इंद्र को ध्यान आया ये बरसात के गर्मी के दिन है, लोग कहीं बाहर सोए हुए हों और कहीं देख ले वसुदेव को बालक के साथ, बहुत मौसलाधार बारिश हुई, हाथी की सूंड जितनी है, वर्षा जब तेज होने लगी तो आंखों के सामने कोई चीज दिखाई नहीं दी, तो यमुना तो ऐसे आवर्त हो रही थी, भय लगना चाहिए, लेकिन वसुदेव निर्भय होकर अंदर प्रवेश किया, पानी जब यहां तक आया तो वसुदेव ने बच्चे को सर के ऊपर उठाया। एक बार बीरबल ने पूछा था अकबर ने बीरबल से पूछा था कि लोग किससे प्रेम करते हैं, बोला सब अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप से कैसे प्रेम करते हैं, जो बच्चों से प्रेम करते हैं, महाराज अपने आप से सब प्रेम करता है, जब असली बात आती है ना तो किसी से प्रेम नहीं करता, बोला इस बात को आप सिद्ध करके दिखाओ। तो बीरबल ने क्या किया, एक बंदरिया ली और एक उसका छोटा बच्चा लिया और अकबर के महल में लाके एक खड्डा खोदा, खड्डे में बंदरिया और बच्चे को डाला और महाराज को उसे बोला पानी लाओ, बाल्टी से पानी डालना शुरू किया, पानी घुटने तक आया, बंदरिया ने छाती से बच्चे को लगाया, पानी कंधे तक आया, बंदरिया ने बच्चे को सर के ऊपर रखा, पानी नाक से ऊपर होने लगा, बंदरिया ने बच्चे को उठा के पांव के नीचे रखा और स्वयं सांस लेने लगा, महाराज देखो प्रेम अपने आप से करता है, मरना जब नजदीक आता है तब कोई याद नहीं आता है, लेकिन वसुदेव ऐसे पिता है, जब पानी नाक तक आया
तो बोला मैं मर जाऊं लेकिन इस लाला को सर के ऊपर उठाया। वैसे आप देखेंगे फोटो देखा है कृष्ण को टोकरी में ले जा रहा है, कोई सब्जी है आलू बैंगन है क्या? नया बच्चा है अभी जन्म हुआ है कि टोकरी में ले जाते हैं कि छाती से लगा के ले जा रहा है। लेकिन पानी जब ऊपर आया तब सर के ऊपर रखा और उस वक्त भगवान ने चरण बाहर निकाले, जमुना मैया नीचे बैठ गई। लेकिन यहाँ वसुदेव ने एक शब्द कहा है, कोई ले लो कोई ले लो कोई ले लो, मेरे बच्चे को कोई ले ले, मैं डूब जाऊं कोई बात नहीं। तो वहां एक गांव है गोकुल के किनारे, उसका नाम है कोयला गांव, जमुना के दूसरे तरफ एक गांव है उसका नाम है कोयला गांव, इसका मतलब कोई ले लो कोई ले लो कोई ले लो। तो तब तक जमुना नीचे चली गई और वसुदेव तो पहले ही नंद बाबा से तो परिचित था, भाई था, वो रास्ते से घर में चला गया। सब सोए हुए थे, देखा नहीं बच्चा रख के अपना बच्ची को लेके आ गया। ये जो बच्चा गया था, ये जो दूसरा बच्चे का जन्म हुआ था उसमें प्रवेश होके एक हो गए। ये हो गया नंद नंदन कृष्ण और वसुदेव कृष्ण दोनों एक हो गए। लेकिन उनकी लीलाएं अद्भुत अलग अलग अपनी जगह पे है। भागवत में एक एक श्लोक बताएगा कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला है और ये वसुदेव कृष्ण की लीला है। और जहां जहां कोई भगवान ऐसी लीला करता है तो लिखा है भगवान अभी, वह भगवान लीला कर रहा है। लेकिन ये बाल लीला है जो आपको बताई, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, ऐसी लीलाएं और कोई नहीं करता है और कहीं होती नहीं है। वैकुंठ में भी ये लीला नहीं होती, वहां कोई भगवान का माता पिता नहीं, ये तो केवल इस धराधाम पे होती है। तो बहुत अच्छा, आपके परिवार ने भागवत का साधन श्रवण किया, आज पूर्णाहुति हुई तो अति सुंदर भागवत का श्रवण नित्य करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भागवत हमारा प्राण होना चाहिए, क्योंकि भगवान और श्री कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। निरंतर अपने घर में भागवत रख के और रोज का थोड़ा पढ़ने का नियम बना लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका प्रेम जागृत हो जाएगा। ये कथा सुनने से क्या होता है, 3 घंटे 4 घंटे आप दुनिया से बच के भगवान से जुड़ जाते हैं, इसका मतलब। और फिर भगवान की कुछ कथाएं कुछ दिन आपके मन में चलती रहेगी, तो कुछ दिन आपका जो चेतना है वो भगवत भगवत भाव वाली चेतना बनी रहेगी। ये लीला बार बार सुनने से हर बार इसका अलग रस आता है और ये लीला नित्य है, आज भी हो रही है। इसलिए आपका ये सौभाग्य है कि भागवत का आपने श्रवण किया और इसका फल आपके हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रकट्य हो और आप श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए अपने आप को भाग्यशाली बना के और इस मानव जन्म के परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सको। इस वचनों के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। आपका कोई कोई प्रश्न हो जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, कोई और भी प्रश्न जिज्ञासा आपने भागवत के किसी विषय में हो तो। एकादशी का दिन है, भगवान की कथा है, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण, सार्वभौम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी बहुत ही अनुभवी और प्रभु जी बहुत अनुभवी भक्त है, पूरी भागवत कथा में कितने श्लोक कहाँ कहाँ से प्रभु जी कोट कर देते हैं और कितना सुंदर वर्णन एक श्लोक पे आज नहीं सुनाई प्रभु जी ने। तो आप लोग हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और